हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारा मैथमेटिकल स्टूल चल रहा है। लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस साइन एक्स की थी, राइट? हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स की थी। आज का जो लेक्चर है, इसमें हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स करेंगे, ठीक है? तो जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि आपने खुद इसको ट्राई करना है, तो आई होप आपने खुद सभी ने ट्राई किया होगा अपने एंड से, और सभी का आंसर आया होगा, ठीक है? अगर नहीं आया है, कहीं पे प्रॉब्लम आई है, तो आज लेक्चर देखो तो आपको 100% समझ आ जाएगी, ठीक? तो चलिए सीखते हैं आज के लेक्चर में क्या है क्या नहीं। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। आपको जैसे साइन एक्स को आपने किया था, आज हमने कैसे मैंने क्या बोला है कॉस एक्स को पढ़ना है। उससे पहले अगर हम लेक्चर को शुरू करें, उससे पहले आपको अगर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू सब्सक्राइब टेक्निकल मंडोत्रा जी चैनल, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम किया था, उसी तरह से इस मेथड को करना है। क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो फर्स्ट था, ये सेकंड हो जाएगा। क्या करना है आपको? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ किसका करोगे? ऑफ कॉस एक्स। बाय कौन से मेथड? बाय एब इनिशियो मेथड, ठीक है ना? कौन सा मेथड यूज करना है आपने? एब इनिशियो मेथड। अब एब इनिशियो मेथड यूज करते हुए आपने क्या करना है? कॉस एक्स की डेरिवेशन करनी है। तो जैसे सेम मेथड हमने फॉलो करना है जैसे हमने वहां पे किया था। पहले मान लो वाई इक्वल्स टू आपका किसका है? एफ ऑफ एक्स है। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना है? एफ ऑफ एक्स कितना है आपका दिया हुआ? कॉस एक्स दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी? फर्स्ट। ये ऐसा क्यों करते हैं? मैंने आपको बताया था कैसे क्यों करते हैं हम। देखो, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है? डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। हमने एक्चुअली ये फार्मूला यूज करना होता है, मीन्स एफ ऑफ डेल्टा एक्स भी होना चाहिए हमारे पास और एफ ऑफ एक्स भी होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स तो है भाई, एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करना, तो मैं क्या करूंगा? इंक्रीमेंट, किसको इंक्रीमेंट कर दो? एक्स को कर दो। कितने के साथ? बाय डेल्टा एक्स। कितने के साथ? बाय डेल्टा एक्स। तो क्यों क्या हो जाएगा बताओ मुझे? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपकी क्या है? सेकेंड। और हमें पता है, वी नो क्या पता है? कि डी वाई वाई डी एक्स किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। अब अपने वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर देना है। देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में बिल्कुल आराम आराम से हर चीज़ को समझाया था, सेम वही मेथड है। आज मैं थोड़ा सा स्पीड रखूंगा, एक एक चीज़ को डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है? वो अगर वीडियो देखोगे वो काफ़ी लंबी हुई थी, ये वाली वीडियो आपकी काफ़ी छोटी होने वाली है एज़ कम्पेयर टू दैट वीडियो। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह फर्म इक्वेशन सेकेंड से मैं क्या ले सकता हूँ? कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ? कॉस एक्स लिख सकता हूँ। ओवरऑल नीचे क्या है आपका? डेल्टा एक्स है, ठीक। और यहाँ पे मैं कौन सा फार्मूला यूज करने वाला हूँ? कॉस ए माइनस कॉस बी किसके बराबर होता है? आई होप सभी को पता होगा, मैंने इसलिए आपको खुद को होमवर्क दिया था कि आप इनको कमेंट सेक्शन में लिखना। तो क्या होता है? माइनस टू ए प्लस बी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू, हमारे पास ये फार्मूला होता है, ठीक है? अब क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को हमने कहाँ पे लगाना है? इसके लिए यूज करना है। देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अभी पेन का ताकि आपको पता चल सके नेक्स्ट स्टेप चल रहा है। तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस टू इंटू
साइन ए प्लस बी होता है, ए कितना है आपका बताओ मुझे, ए कितना है आपका एक्स प्लस डेल्टा एक्स, प्लस क्या होगा बताओ, प्लस एक्स अपॉन क्या होता है टू इंटू साइन क्या है अभी बताओ, ए माइनस बी है, ए कितना है आपका एक्स प्लस डेल्टा एक्स और बी कितना है आपका एक्स अपॉन क्या है टू। ठीक, नेक्स्ट स्टेप देखो, सेम वही डिक्टो चीज़ है, वही कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ वैल्यूज पुट करता चल रहा हूँ, सेम वही स्टेप्स चलेंगे जैसे हमने पहले किए थे। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस टू, अब देखो साइन टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन टू इंटू साइन, ये एक्स और ये एक्स क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा बताओ मुझे, डेल्टा एक्स अपॉन टू। और एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गई, यहाँ ओवरऑल नीचे क्या आना था आपका डेल्टा एक्स आना था, वो लिखना भूल गया हूँ, आप भी लिख लेना, और इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक, अब देखो डी वाई वाई डी एक्स इक्वल्स टू, इस माइनस टू को मैं क्या लिख सकता हूँ बाहर लिख सकता हूँ, है ना, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं ऐसे करके बाहर लिख सकता हूँ, और जहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दूंगा, क्या हो जाएगा देखो साइन टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन टू, इसके साथ मैंने अलग से लिख दिया लिमिट को, मल्टीप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और इसके साथ मैं क्या कर दूंगा अलग से लिख दूंगा इस तरह से, और ओवरऑल क्या है आपका डेल्टा एक्स। समझ गए होगे बात को, ये मैं चीज़ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये कैसे किया मैंने, ठीक है, और ये आपका हो गया। यहाँ पे फिर से इस चीज़ को मैंने मुझे क्या बनाना है, जैसे यहाँ पे ऊपर एंगल कितनी है डेल्टा एक्स अपॉन टू है, यहाँ पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा डेल्टा एक्स अपॉन टू बनाना पड़ेगा, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, सेम इसमें करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको टू के साथ डिवाइड करूँगा, तो टू के साथ क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास डी वाई वाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन टू इंटू, ये वाले टू को मैं क्या कर सकता हूँ बाहर लिख सकता हूँ, तो बाहर यहाँ क्या हो जाएगा वन अपॉन टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स अपॉन टू अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन टू। ये क्यों बनाया था इसको मैं यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ क्यों, क्योंकि लिमिट टीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन टीटा अपॉन टीटा किसके बराबर होता है वन के बराबर होता है, और इस चीज़ को वही चीज़ बनाने की कोशिश की हमने, तो आपके सामने वो चीज़ बन भी गई है ये, ठीक है, ये वाली एंगल डेल्टा एक्स अप्रोचेस डेल्टा एक्स अपॉन टू है, और यहाँ पे भी क्या है डेल्टा एक्स अपॉन टू, जैसे इस तरह हमें इसमें है साइन टीटा अपॉन टीटा है, तो लिमिट टीटा अप्रोचेस टू जीरो किसके बराबर होते हैं वन के बराबर होता है, तो मीन्स ये पूरी टर्म ये वाली है ना जो, ये पूरी टर्म किसके बराबर होने वाली है आपकी वन के बराबर होने वाली है। ठीक, तो क्या हो जाएगा मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ एक सेकेंड, ओके फाइन, तो क्या हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, ध्यान देना, और ये चलो इसको बाद में बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ये वाली पूरी चीज़ कितनी हो चुकी है आपकी वन हो चुकी है ना, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो क्या था आपका बताओ साइन टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन टू इंटू क्या था वन अपॉन टू, और वो टर्म कितनी हो चुकी थी वन हो चुकी थी, है ना। अब देखो डी वाई वाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू, देखो यहाँ पे इस टू को मैं क्या कर रहा हूँ इधर लिख रहा हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई वन अपॉन टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन टू, यहाँ से ये टू और ये टू क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा डी वाई वाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बचेगा माइनस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन टू
एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन टू। अब क्या कर दो, लिमिट पुट कर दो, पुट द लिमिट्स, लिमिट को पुट कर दो। लिमिट को जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा सामने वो देखते हैं। लिमिट को पुट करने का मतलब क्या, जहां जहां आपको डेल्टा एक्स दिखता है वहां वहां क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो, क्योंकि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो है ना, तो इसलिए क्या कर दो, जीरो जीरो वहां भी पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन, लिमिट पुट कर दी, अब लिमिट लिखने की जरूरत नहीं होती। 2x प्लस डेल्टा x की जगह क्या लिख दूंगा, जीरो लिख दूंगा। ओवरऑल इसके नीचे क्या है, 2 है, इक्वल्स टू माइनस साइन 2x अपॉन 2। 2 2 आपका क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है। मीन्स हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस साइन एक्स के बराबर आ गया। मैंने क्या बोला, हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स के बराबर आ गया। और ध्यान से देखो, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था, आपका ये जो है वाई इक्वल्स टू किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, कॉस एक्स के। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ वाई एक्चुअली आपका किसके बराबर है, कॉस एक्स के बराबर है। वाई इक्वल्स टू क्या है, कॉस एक्स है ना। अगर वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स है तो मैं वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं वाई की जगह लिख सकता हूँ कॉस एक्स। दिस इम्प्लाई डी कॉस एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो किसकी, साइन एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास क्या आता है, कॉस एक्स। दूसरी चीज हमने सीखी, अगर डिफरेंशिएशन करते हो आप कॉस एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास कितना आता है, माइनस साइन एक्स आता है। हमने ये चीजें सीख ली हैं। ऐसे ही हम फर्दर और लेक्चर्स में देखेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़नी होती हैं, कुछ चीजें रिजल्ट आपको याद रखने होते हैं, और बाकी हम तो यहाँ पे प्रूफ कर ही रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ ई की पावर एक्स। सिंपल सी बात है, ई की पावर क्या करेंगे, एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। इसका रिजल्ट हमेशा कितना होता है, इसका रिजल्ट आपका हमेशा, अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ ई की पावर एक्स, हमेशा कितना आएगा, ई एक्स। इस चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आया लेक्चर तो एक बार फिर से रिपीट करके देखो, फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताओ। लेकिन प्रोवाइडेड आपने मैथमेटिकल टूल्स, जो आपका जो यूनिट शुरू किया था मैंने जब फर्स्ट लेक्चर से इस लेक्चर तक अगर आपने कंटिन्यूसली देखा है तो आपको 100% समझ आएगी। अगर आपने एक फर्स्ट लेक्चर से लेके अभी तक अगर सारे लेक्चर देखे हैं तब भी समझ नहीं आ रही, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ अगर आप कहीं पे प्रॉब्लम है, तो फिर मैं आपकी डाउट को क्लियर करूंगा। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे आए हो, जब पहले दो लेक्चर देखे हैं तो आप सोचोगे आपको समझ आ जाएगी, फिर समझ नहीं आएगी। बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, अभी तक 5 लेक्चर हो चुके हैं, तो मीन्स आपको 5 लेक्चर आपने कंटिन्यूसली देखे हों तभी आपको चीजें समझ आएंगी, नहीं तो समझ नहीं आएंगी। आई होप बात समझ आई होगी। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे रखता हूँ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।